हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। टुडेज नाउ आई एम हेयर टू स्टार्ट एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 देन एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसने कहा है जो हमारा एंगल, जो भी हमारा एंगल यहाँ पर है एक्स है, यहाँ पर इसने एंगल को रिप्रेजेंट किससे किया है, एक्स से किया है। जनरली हम यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं टेंथ क्लास में। तो यहां इसने कहा है साइन लाइक एक्स या थीटा इक्वल टू 3/5। उसने कहा है जो साइन लाई करता है वो कहां पर लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या कि हमें यहां पर सबसे पहले ये चेक करना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कौन सा रूल, ए एस टी सी। ये हमारा ए एस टी सी रूल है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन आ रहा है, एस आ रहा है, एस फॉर साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल जो कि क्या होता है, कोसेक। इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहने वाले, पॉजिटिव रहने वाले, कौन कौन से, साइन और कोसेक। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता हूं कोसेक इक्वल टू 5/3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या नेक्स्ट, तो अब मैं यहां पर आइडेंटिटीज यूज करने वाला हूं। मैंने इसका इन आइडेंटिटीज को इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो मैं चाहूंगा जिन बच्चों ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे टेंथ क्लास की आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से कोस स्क्वायर एक्स रहा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने कोस को सेपरेट कर लिया, साइन को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है। तो यहां पर कोस स्क्वायर कोस एक्स रहा, स्क्वायर हटाया तो आकर क्या बन गया मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे। जब मैं यहां पर साइन की वैल्यूज पुट करूंगा तो वैल्यू है मेरे पास 3/5 और उसका है मेरे पास होल स्क्वायर 1 रहेगा, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर विल बी 25। अब मेरे पास यहां पर दो रेशनल नंबर हो गए हैं और दो रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। 1 के टेबल में कितने टाइम्स टाइम्स आता है, 25 टाइम्स। 25 माइनस 9 कितना हुआ हमारे पास, 16/25। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। और ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, कोस एक्स की। अब कोस ये वैल्यू कैसी है, कोस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हम जानते हैं क्या, दो ही वैल्यूज पॉजिटिव होने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक साइन और कोसेक, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये वैल्यू कैसे आने वाली है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/4, ठीक है। अब हमें दो वैल्यूज बची हैं, उनको फाइंड आउट करना है। अब मैं यहां पर सेकेंड आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब मेरे पास सेक्स की वैल्यू है, ठीक है, मैंने भी फाइंड आउट किया सेक की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, टेन को सेपरेट कर लूंगा। तो मेरा क्या बनेगा यहां पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 एक्स। अब मैंने यहां पर इसका स्क्वायर भी हटा लिया, स्क्वायर को मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया है। आप बड़े बच्चे हैं या आपको अंडरस्टूड होता है, इसलिए मैंने आप इसको एक बार में अंडर रूट उसको रिमूव कर दिया है। अब अंडर रूट रहा, सेक की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5/4 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या है मेरे पास, टेन एक्स। स्क्वायर ओपन करते हैं, 5 स्क्वायर विल बी 25, 4 स्क्वायर विल बी 16, -1 इक्वल टू 10 एक्स। अब दो रेशनल नंबर हो गए, दो रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा, 16/25 - 16 इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा, 10x। 25 - 16 9/16 अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 10x। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10x इक्वल टू 3/4 और ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब मैं सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर चुका हूं, तो मैं आप डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कि मैंने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो मैंने सबसे पहले फाइंड आउट की थी कोस एक्स की वैल्यू, जो कि कितनी आई थी, 5 बाई
थ्री. सेकेंड वन मैंने फाइंड आउट किया था कॉस एक्स. कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? 4/5. थर्ड वन है हमारे पास सेक एक्स. सेक एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5/4. इसके बाद मैंने वैल्यू फाइंड आउट की थी टेन एक्स की. टेन एक्स इक्वल टू 3 - 3/4. इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी? कॉट एक्स इक्वल टू 4/3. ये आपकी चॉइस है, आप अलग से लिख के दिखाते हैं नहीं दिखाते, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दिखाना ही है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.